लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप लैब ही क्यों रखते हैं, तो इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। जैसे टिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, और ब्रश कभी नहीं भी करेंगे चल जाता है। वेरी क्लीन एंड नीट डॉग। कुछ लोग कहते हैं कि चलो डॉग रखा है आपने तो क्यों रखे हैं, एक से क्या पूरा नहीं होता। मेरे पास ये 30वीं जनरेशन है और ये तो हर जब तक मैं हूँ चलती ही रहेगी। आई लव लेपरा डॉग्स। नंबर वन, मेरे हस्बैंड जब हॉस्पिटल से आते हैं तो ये उनके जूते उधर रख के आएगी और चप्पल लेके आएगी। कभी हम इसको घुमा के लाए बाहर रह जाए तो बेल करती है, और टेलीफोन आए तो टेलीफोन का रिसीवर उठा के लाएगी। वेरी वेल ट्रेन्ड। आप इस ब्रीड को जो भी सिखाएंगे एकदम से पिकअप करता है। और जैसे नीचे कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और खूब ब्रिक्स पड़ी हो तो इसे आप कहिए होल्ड, सारी की सारी ब्रिक्स आपके पास एक घंटे के अंदर कम से कम 50-60 तो आ ही जाएंगे। तो बाकी और भी बहुत सी क्वालिटीज हैं इसमें, आई कांट एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें एक खासियत और है कि जैसे बचपन में छोटे पपीज ही होते हैं तो इनको अपना टॉयलेट एरिया मालूम है। मेरे घर में वॉल टू वॉल कारपेट है लेकिन कभी एक ड्रॉप भी कहीं गंदा नहीं किया है। सेकेंडली, इनको जैसे ट्रेन किया जाए वैसे ही ये ट्रेन हो जाते हैं। दैट्स माय